मिनट एक मिनट इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर वाला मैं मान लेता हूं बट ये यूट्यूब वाला जर किसने निकाला पहले उस बंदे को ढूंढ के लाओ और ऐसे पेलो ऐसे पेलो मतलब भाई यूट्यूब गूगल के अंडर में आता है यार गूगल ने सब पॉलिसीज को एग्री करके रखा हुआ है यार यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गूगल नहीं आ सकता है भाई फिर गूगल को पहले बैंड कर देना पड़ेगा यहां पे इंडिया पे कॉमन सेंस लगाओ यार यूट्यूब यूज़ करते हो यूट्यूब में क्रिएटर हो ऑडियंस हो इतने सालों से यूट्यूब को जान मानते हो बट यूट्यूब के बारे में नहीं पता यार गूगल का सामान है वो गूगल के अंडर में है यूट्यूब भाई वो बैन नहीं हो रहा है और गूगल सभी पॉलिसीज़ को एग्री करके रखा हुआ है तो चलो अब मेन मुद्दे पे आता हो तो देखो फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर बैन होने का न्यूज़ सुनकर सबसे ज़्यादा डरना चाहिए उन लोगों को जो यहाँ से खा रहे पेट पाल रहे अपने इन्फ्लुएंसर्स लोग जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स में काम करते इतने मेहनत से इतने फॉलोअर्स गेन किए हैं आज तक और इतने सारे वेरीफाइड टिक मार्क्स बैठे हुए हैं वहाँ पे इतने सारे फेक पेजेस बैठे हुए हैं ऑल्सो तो हाँ डरना इनको चाहिए इतना मेहनत करके इन लोगों ने अपना पेजेस ग्रो किया अपना फॉलोअर्स ग्रो किए इन लोगों को ज़्यादा डरना चाहिए बट हालात यहाँ पे कुछ और ही बता रहा है फ्री फायर के जितने सारे प्लेयर्स हैं वो सब डर बैठे हुए हैं अब उनके अंदर और ये भी लाजमी है यार फ्री फायर का अकाउंट ही लॉग इन रहता है फेसबुक के साथ अब चलो इस पर आते हैं हम बट डरना बंद करो एक चीज़ मैं बोलूँगा डरना बंद करो क्योंकि आगे जो न्यूज़ आगे जो कुछ भी आप सुनने जा रहे हो उसको आपको झटका लग जाएगा और इतना बड़ा झटका लगेगा कि इसके बाद से आप डरना ही भूल जाओगे और इतना बढ़िया सा न्यूज भी आप लोगों को देने जा रहा हूँ मैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट न्यूज तो मैं लास्ट में बता रहा हूँ बट उससे पहले कुछ और भी बता दे रहा हूँ सुनो तो देखो आज के टाइम पे गरीना ने हमें मल्टीपल ऑप्शन देकर रखे हुए लॉग इन करने के लिए यस yes, अगर कोई बंदा नया आता है गेम में तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे अगर वो चाहता है लॉग इन करना गेम के साथ तो वो बहुत तरीके से लॉग इन कर सकता है लाइक गूगल से हो गया ई से हो गया तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके है जो वो यूज कर सकता है नॉट ओनली फेसबुक ठीक है बट हम जैसे प्लेयर्स हाँ मेरे जैसे प्लेयर्स जो कि बहुत पहले आए थे और जो आज के टाइम पे जो नए नए आ रहे हैं उन पर रॉब दिखाते हैं भाई मैं पीरो कब से खेलता हूँ सीजन टेन से खेलता हूँ वन से खेलता हूँ भाई सर बड़ी नहीं आया था तब से खेलता हूं बेशक ये मैं भी बोलता हूँ यार बहुत बंदों को मैं खेलता हूँ <laughs> जी हाँ मैं खेलता हूँ बट हाँ यहाँ पे मुद्दा ये कि हम लोग जब आए थे गेम में तब हमारे पास फेसबुक के लॉगिन का ऑप्शन ही आया करता था और तब तक ये सब चीज़ें नहीं भी आया था भाई इन सभी चीज़ों को करीना ने प्रोवाइड ही नहीं किया था मतलब समझ रहे हो आज के दिन में जो भी खेलने आ रहे हैं उनके पास कितना ज़्यादा अच्छा चांसेस है बट हाँ पहले का जमाना कुछ और ही था भाई ओल्ड इज गोल्ड बताते हो ना मतलब मानते हो ना ओल्ड इज गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड तो आप देखो ध्यान से सुनना जब से फेसबुक बैन होने के बारे में पूरा अपडेट आया है न्यूज़ वगैरह आया है तब से लोग इसीलिए डर रहे हैं कि फेसबुक का आईडी जो है हम लोग लॉग नहीं कर पाएंगे तब तो फेसबुक रहेगा ही नहीं इंडिया में तो हम एक्सेस कैसे करेंगे तो भाइयों मेरी बात सुन लो पहले गरीना जो है वो एक छोटी सी ऐसी तो इतनी सी कंपनी नहीं है वो भी नहीं चाहेगी कि इंडियन सर्वर में भाई इंडियन सर्वर के अंदर आज के दिन में नाइन्टी परसेंट लोग फेसबुक से लॉग इन है मान के चलो भाई नाइन्टी परसेंट लोग मतलब समझ रहे हो इंडियन सर्वर पूरे इंडिया में कितने लोग खेलते हैं आप खुद नहीं विश्वास कर सकते पूरे, पूरे दुनिया में ना सबसे ज्यादा लोग इंडिया से आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री फायर या फिर कोई भी जो भी पॉपुलर गेम होते हैं ना उनमें से सबसे ज्यादा लोग आपको यहां पे ही इंडिया से ही मैक्सिमम लोग देखने को मिल जाएंगे तो भाई इतना बड़ा मार्केट इतना ज्यादा पॉपुलरिटी इतना ज्यादा कस्टमर्स इतना ज्यादा कंज्यूमर्स को घरीना क्या ऐसे ही छोड़ देगा क्या बोलेगा ले भाई चेहरा फेसबुक बैन हो गया तो हमको भी नहीं खेल सकता तू भाई हमारा गेम ही नहीं खेल सकता चलो भाई तुम्हारा भाड़ में जाए तुम खेलना पाओ हमको इससे क्या लेना देना भाई लेना देना है उनका यहाँ पे प्रॉफिट है तो वो क्यों आपको जाने देंगे ऐसे ही वो भी आपको पकड़ के रखेंगे भाई गरीना ऐसे ही नहीं कोई छोड़ने देगा भाई और वो भी एक समझ के रख लो यार लॉग जब आप किए रखे हो ना फेसबुक में जब लॉग करके रखे हो आप तो आपका इसका मतलब है कि आपका गेम आईडी जो है वो एक सर्वर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है मतलब आपका आईडी जो है कभी भी डिलीट होने का कोई भी डर नहीं रह रहा है ठीक है बाय द वे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बता रहा उसके लिए अभी भी पूरा वीडियो देखना है ठीक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी भी नहीं आया है बट ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से सुन लो तो अगर आपने अपनी आईडी को किसी एक जगह से किसी भी एक प्लेटफॉर्म से मान के चलो अभी फेसबुक का ही सीन चल रहा है तो फेसबुक से अगर आपने कनेक्ट करके रखा है तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है भाई आपने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है इसका मतलब आपका सर्वर जो है आपका पूरा

वो खुद भी खुद खुद कर देंगे सबके पास शायद वगैरह कुछ आ जाएगा या फिर ऐसा कुछ कर देंगे वो कि अब सारे जो गेम्स आईडी थे वो सारे जो है ट्रांसफर होकर आ जाएंगे अपने गूगल आई में ठीक है वो आपको कुछ करने के लायक मतलब करना ही नहीं पड़ेगा वो ऑटोमेटिक वही करेंगे तो इसके बाद जो जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने गूगल से या फिर ईमेल वगैरह से जहां कहीं भी बोलेंगे वो लॉग इन करके इजीली आप जो है अपने गेम को दोबारा से एक्सेस कर सकते हो तो क्या भाई यहाँ पे डरने वाली क्या बात है वैसे लिटरली यार दो दिन से दिमाग खराब होकर रखा हुआ है इतने सारे भाई मैं देख रहा हूँ भाई सारे लोग डर के बैठे हुए हैं ना उनको सिर्फ एक ही चीज वैसे होना चाहिए यार सबको होना चाहिए जो चीजों के बारे में उतना ज्यादा जानते नहीं उनको सिर्फ मतलब होता है कि गेम खेलते हैं उनको उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें पता नहीं होता है भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है आप इजीली जो है गेम को एक्सेस कर सकते हो और गड़ी ना आपको खुद ही करके देगा आपको कुछ डरने वाली बात नहीं है फेसबुक का इकलौता चीज नहीं है गूगल इतना बड़ा चीज है भाई बैठा हुआ है ऊपर तो गूगल के ऊपर आपको भरोसा है गूगल पूरे पॉलिसीज़ के अंदर आता है गूगल तो बैन नहीं होने वाला ठीक है तो ये सारा चीजें है तो डरने वाली कोई बात नहीं है बेसिकली यार वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था यार बंदे लोग इतना ज्यादा परेशान होकर रखे हुए थे ना मैं खुद सोच रहा हूं यार कहाँ से क्या हो रहा है और बहुत सारे लोग ना इस चीज़ का गलत भी फायदा उठा रहे हैं बहुत सारे स्कैमर्स भी इस टाइम पे आएंगे समझ के रहना गाइस बहुत सारे स्कैमर्स भी आएंगे इस टाइम पे जो आपको आकर बोलेंगे भाई आपकी आई मुझे दे दो मैं आपकी आई को गूगल पे ट्रांसफर कर देता हूँ या फिर मैं आपकी आई को ऐसे कर देता हूँ वो कर देता हूँ ताकि ये आई जो है आपका कभी जाए ही ना या फिर लॉग इन लॉग मत हो जाए या फिर ऐसा कुछ मतलब कि आपका आईडी चला ही ना जाए ऐसा कुछ वो लोग आपको बोलेंगे कुछ -कुछ आप तक दो यहां यहां पूरा दोबारा से सुन लो गलती से भी आप लो को, किसी को भी आईडी पास भूल कर भी नहीं देना है इस चीज के लिए कि आपका आईडी कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप फेयरली खेले आए हो तो आपको पता है कि गरीना भी फेयर बहुत काम करते आया है गरीना किसी भी के साथ भी ऐसे बेतुकी काम नहीं करता है कि किसी का भी आईडी चला जाए ऐसे फोकट में तो आपके आईडी के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है और सबसे बड़ा चीज एक चीज दिमाग में घुसा के रखना यार आपके अकेले के साथ ये नहीं हो रहा है ये पूरे इंडिया के नाइनटी लोगों के साथ हो रहा है तो भाई 90% समझ रहे हो ना आपके अकेले के साथ होता फिर तो शायद टेंशन वाली बात होती कि एक बंदे के लिए क्या ही हो सकता है बट भाई 90% परसेंट लोग मतलब ऑलमोस्ट कोई भी बंदा नहीं खेल पाएगा तो वहां पे आपको डरने वाली बात नहीं है आपके साथ आपके आस पड़ोस वाले जितने लोग होंगे ना सभी लोगों का एक ही हालत है तो भाई डरने वाली तो कोई बात नहीं है आज कोरोना एक बंदे को नहीं हुआ है भाई पूरे दुनिया को हो रहा है ठीक है तो इसीलिए जो लोग वहां से निकल के आ रहे हैं उन लोगों को प्रोसेस मालूम है तो भाई डरने वाली बात नहीं है आपके साथ ऑलरेडी बाकी लोगों का भी हुआ है और वो लोग आए हैं वहां से रिकवर करके तो डरो मत यार सभी चीज़ को एक साथ फेस करेंगे एक साथ एक मिलकर जो है आप लोग उसको टैकल करना सीख लो बस और डरने वाली कोई बात नहीं है और हाँ मैंने जो बोला स्कैमर्स से बच के रहना स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे अभी और फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बेशक यही तो चलते आ रहा है भाई आजकल के टाइम पर अब आते हैं मेन मुद्दे पर भैया देखो जिस चीज के लिए आप लोग इतना डर रहे थे वो चीज हुआ ही नहीं है जी हां मतलब फेसबुक बैन ही नहीं हो रहा है और ये एकदम रीसेंट न्यूज है आज का न्यूज है जैसे कि आपको पता था कि आज 26 तारीख है मैं आज ही वीडियो शूट कर रूँ पता नहीं आज तो नहीं आएगा शायद 27 तारीख को अब वी वीडियो देख रहे होंगे तो भाई बैन तो नहीं हुआ अल्टीमेटली ठीक है और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि दो तीन दिन के अंदर हो भी जाएगा होगा तो मैंने जो बताया वही होगा सीन और अगर नहीं हुआ मतलब नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये सारे बड़े कंपनीज़ हैं और इन लोगों ने जो है एक्सपैंड करने का एक रिक्वेस्ट किया सभी लोगों ने मिलकर कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए इस चीज़ को जो है करने के लिए ठीक है इस चीज़ को घटाने के लिए जो और टाइम लगेगा थोड़ा सा मतलब उन लोगों ने बताया है कि पॉलिसीज़ में कुछ बताया है कि ऐसे कि हमें यहाँ पर टीम बिठाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एक कंपनी अलग से मतलब एक हेड क्वार्टर टाइप्स का बनाना पड़ेगा वहाँ पे एक इंडियन मैनेजर रखना पड़ेगा जो कि संभाल पाए इस चीज़ को तो इन सभी चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम लगता है और इन सब चीज़ों को समझते हुए हमारे गवर्नमेंट ने इनको और भी दो महीने का टाइम दिया है जी हाँ उनको भी लगा है कि तीन महीने का टाइम थोड़ा सा कम हो गया था तो और भी एक्सपेंड कर दिया है टाइम को तो यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने बड़े कंपनीज़ है और मैंने तो बता ही दिया है अगर हो भी गया तो डरने वाली कोई बात नहीं गेम कहीं नहीं जाएगा वैसे मुझे अभी भी तलाश है उस बंदे का जिसने बताया भाई यूट्यूब बैन हो जाएगा उसकी खोपड़ी खोल दूँ उसका ऐसे मत्था फोड़ दूँ को हेडशॉट मारना है मुझे भाई उसको निकाल के लाओ मैं बोल रहा हूँ उसको निकाल के लाओ किसने ये रूमर फैलाया यार पूरे भाई कल रात को मैं सो नहीं पाया मतलब क्या ही बताओ यार लग रहा है भाई क्या हो जाएगा यूट्यूब नॉट एज ओनली एज ए क्रिएटर मतलब ऑब्वियसली क्रिएटर तो है ही बट ऑडियंस की तरफ से भी भाई मतलब समझो कुछ यार आज के दिन में लोग जितना ना टीवी देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा यार यूट्यूब पे बिता है टाइम मतलब समझ रहे हो भाई यूट्यूब एक हो गया है भाई फ्री में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा चलो तो यही था आज का वीडियो एंड का एक और बड़ा बहुत बड़ा अपडेट हमारे गेमिंग और भाई के साथ बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया सा कोलेबोरेशन आने वाला है तो हाँ मैंने एक लास्ट पोल डाला था कल को मैंने एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि आप क्या देखना पसंद करोगे उनके साथ मतलब फर्स्ट टाइम इतने बड़े एक क्रिएटर के साथ इतने बड़े एक सेलिब्रिटी के साथ सेलिब्रिटी है यार बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं एंड आई लाइक हिम लिटरली आई लाइक हिम लाइक हिज वर्क एंड आई अप्रिसिएट हिम तो यार बताना मुझे कि कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगे कि मजेदार सा फन कस्टम वन वी वन हम लोग दोनों मिलकर एकदम तो एक साथ खेलेंगे मजे करेंगे एक साथ बातचीत करेंगे वो चाहते हो या फिर चाहते हो ऐसा कुछ कि मैं उनका इंटरव्यू लूँ या फिर मतलब गेम के रिलेटेड कुछ बातचीत करे मतलब क्या चाहते हो यार कौन सा वाला सही रहेगा तो मुझे वहां पे पोल पे जाकर एक बार बता देना कि कौन सा चीज आप लोग चाहते हो कौन सा चीज देखना चाहोगे तो वहां पे मुझे जानकारी मिल जाएगा ज्यादा वोट जिसमें रहेगा मैं वही चीज करने वाला हूँ ठीक है तो बहुत जल्दी आ रहा है यार वेट कर लो थोड़ा सा क्योंकि बहुत जल्दी आ रहा है बहुत जल्दी और चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लो ताकि यार मिस ना हो जाए ऐसा बड़ा बड़ा इवेंट ऐसे ही लाते रहेंगे और इन फ्यूचर और भी अगर आपका सपोर्ट रहा तो गाइज यार चलो मिलते वीडियो में तब तक बे सीमारा गुड बाय लव यू